الله اكبر الله اكبر أكبر الله اكبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام

السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज तेईस मई है ये दिन जमात अहमदिया में यौम खिलाफत के नाम से जाना जाता है हम हर साल यौम खिलाफत के जलसे इस दिन या इस दिन के आगे पीछे करते हैं लेकिन क्यों इस साल इस सवाल का जवाब हमें हर वक्त सामने रखना चाहिए और अपनी नस्लों अपने बच्चों को भी इस पर गौर करने और सोचने के लिए कहना चाहिए इस दिन का आगाज़ सताईस मई 1908 का हुआ था जब अल्लाह वादों के मुताबिक उन पर फजल फरमाते हुए जमात अहमदिया में खिलाफत का निज़ाम जारी फरमाया था अल्लाह ने तजत मसीमिल तो तो से आपकी जमात की तरक्की के लिए वादा फरमाया था उसे इस दिन पूरा फरमाया हजरत मसीमत तो तो एक अरसे से अपनी जमात को इस बात पर तैयार फरमा रहे थे कि कोई शख्स मौत से बाहर नहीं हम भी आप ही जब अपना काम पूरा कर लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला उन्हें भी उठा लेता है आप बार बार जमात को इस बात पर तैयार फरमा रहे थे कि इस्लाम की वापसी का वक्त करीब है लेकिन साथ ही ये खुशखबरी भी देते थे कि आप इस्लाम की कायम करद जमात ने फूलना है फलना है और फैलना है और अल्लाह ताला से जो आपके वादे हैं वो यकीन पूरे होने हैं जमात की तरक्की अल्लाह ताला की फसल से होनी है और कोई नहीं जो इस तरक्की पर रोक सके आ हज़रत वसल्लम ने भी एक इरशाद में अपने ज़माने से लेकर आखरीन के ज़माने तक यानी हज मसीमत और फिर बाद में आपके जारी निज़ाम खिलाफत का नक्शा खींचा चाहे आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की मजलिस में बयान फरमाते हैं तुम में नबत कायम रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा यानी आ वसल्लम का वजूद सहाबा में मौजूद रहेगा फिर इसको उठा लेगा और ख़िलाफत अलामूला हाज अला नबूत कायम होगी यानी वो ख़िलाफत रास्ता कायम होगी जो मुकम्मल तौर पर नबूत के कदमों पर चलने वाली होगी फिर अल्लाह ताला जब चाहेगा उसने मुझको भी उठा लेगा गुज़त कुछ अरसे से मैं बद्री साहबा के सिलसिला में खुलफा रश्दीन का भी जिक्र कर रहा हूँ आजकल हज़रत आज कल हजतबी का जिक्र हो रहा है तमाम खुला के खलफा के ज़िक्र में ये बात रोज़ रोशन की तरह वाज है कि सब ने बड़े बेनफ्स होकर आ हज़रत सल वसम की सुनत पर चलते हुए और क़ुरान करीम को अपना दस्तूरअम बनाते हुए अपना अरसिलाफत गुजारा गोया कदम कदम पर नबूत पर कायम रहने की कोशिश की बहरहाल अलैहि वसल्लम अपने इशात को जारी रखते हुए फरमाते हैं कि फिर उसकी तकदीर के मुताबिक ईज़ा असा, रसाँ ईज़ा रसाँ बाशाह कायम होगी जिससे लोग दिल गिरफ्तार होंगे और तंगी महसूस करेंगे ये दौर ख़त्म होगा तो उसकी दूसरी तकदीर के मुताबिक इससे भी बढ़कर कर जाबर बादशाह कायम होगी और तारीख़ ने यह भी देखा बल्कि आज तक दीन से हटे हुए जो हुक्मरान हैं मुसलमानों के अपनी राय से यही कुछ कर रहे हैं चाहे वो एक ग्रोह सियासी हुकूमतें हों या बदशाहत एक ग्रोह हो या दूसरा जिसके हाथ में भी हुकूमत आए उस पर दुनिया गालिब रहती है बहरहाल आ हज़रत सल वस फरमाते हैं कि जब ये सब कुछ उम्मत के साथ होगा तो फिर अल्लाह ताला का रहम जोश में आएगा और इस सितम के दौर को ख़त्म कर देगा फिर खिलाफत अला में नहाजन कायम होगी ये फरमा कर खामोश हो गए आ हज़रत अलैहि वसल्लम ने म के दौर को ख़त्म करने की जो पेशगोई फरमाई थी वो उन लोगों के लिए थी जो ख़ात्म खुलखा मसीह माऊद और महदी माऊद की बेत में आएंगे और उसकी तलीम के मुताबिक उस पर अमल करेंगे अल्लाह ताला ने तो फरमा दिया अगर लोग इस इंतज़ाम के तहत ना आएँ अपनी ज़िद पर कायम रहें तो फिर इसका वही नतीजा निकलता है और निकला है जो आज कल मुसलमान देख रहे हैं अल्लाह ताला इन लोगों को भी अकल और समझ दे और ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़लम सदक को पहचान की पहचान करने वाले हों ना कि इनकार करके उसकी मौत की जमात पर जुल्लम और में बढ़ने वाले हों बहरहाल ये भी वाज़े हो कि आ वसल्लम का फिर खामोश होना ये कहने के बाद कि तुम में खिलाफत अलाम लहाजू आखिरी ज़माने में कायम होगी इस बात का इजहार है कि एक लम्बा अरसा चलने वाला निज़ाम है ये ये जो बाज़ लोग बाज़ बातों को ना समझने की वजह से ये बातें करते हैं कि इस खामोशी का मतलब ये है कि निज़ाम भी जल्द ख़त्म हो जाएगा यानी मसिम के बाद जो निज़ाम ख़िलाफत है ये सब लोग गलती खोरदा हैं खुद हजरत वसीम ने इस बात की वजात फरमा दी है कि ये निज़ाम जारी रहने वाला निज़ाम हैसिम ने से अल्लाह ने जो वादे फरमाए हैं वो पूरे होने वाले हैं और ज़मीनों आसमान टल सकते हैं लेकिन खुदाई वादों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता बहरहाल इस बात की वजात कि ये निज़ाम निज़ाम खिलाफत जारी रहने वाला निज़ाम है इस बारे में अलैहिस्सलाम है फरमाते हैं सो एजीज़ो जमात को ख़त्म करते हुए एजीज़ो जबकि कदीम से सुनत यही है कि खुदा ताला दो कुदरतें दिखलाता है ता मुखालफों की दो झूठी खुशियों को पामाल पामाल करके दिखलावे सो अब मुमकिन नहीं है कि खुदा ताला अपनी कदीम सुनत को तर्क कर देवे इसलिए तुम मेरी इस बात से जो मैंने तुम्हारे सामने पास बयान की गमगिन मत हो यानी अपनी वफाती खबर जो दी और तुम्हारे दिल परेशान ना हो जाएं क्योंकि तुम्हारे लिए दूसरी कुदरत का देखना भी ज़रूरी है और उसका आना तुम्हारे लिए बेहतर है क्योंकि वो दायमी है जिसका सिलसिला क़्यामत तक मुनकते नहीं होगा और वो दूसरी कुदरत नहीं आ सकती जब तक मैं न जाऊँ लेकिन मैं जब जाऊँगा तो फिर खुदा उस दूसरी कुदरत को तुम्हारे लिए भेज देगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी जैसा कि खुदा का ब्राहन अहमदिया में वादा है बस ये अल्फाज के खुदा तला का ये वादा है और वह दूसरी कुदरत यानी खिलाफत तुम में क्या तक कायम रहेगी ऐसे लोग हमेशा पैदा होते रहेंगे जो खिलाफत अहमदिया की हिफाजत करने वाले होंगे बस खुशकस्मत हैं हमें से वो लोग जो ख़िलाफ़त अहमद के साथ हमेशा जुड़े रहें और अपनी नस्ल नस्लों को भी इसकी तल्कन करते रहें और बदकिसमत हैं वो जो ख़िलाफ़त अहमदिया को किसी दौर तक महदूद करना चाहते हैं या ये सोच रखते हैं ऐसे लोग हमेशा की तरह नाकामी और नामरादी देखेंगे जैसा कि जमात की तारीख हमें बताती है जो मुखालफी थे उन्होंने खिलाफत गुला या खिलाफत सानिया के इन्ताब के वक्त नाकामियाँ देखी बहरहाल हजत वसीम खिलाफत के कायम रहने के बारे में मज़ीद फरमाते हैं वजात करते हुए कि वो वादा यानी खिलाफत के कायम रहने का वादा मेरी ज़ात की नस्बत नहीं है बल्कि तुम्हारी नस्बत वादा है जैसा कि खुदा फरमाता है कि मैं इस जमात को जो तेरे पैराव हैं क़्यामत तक दूसरों पर गलबा दूँगा तो ज़रूर है कि तुम पर मेरी जुदाई का देना आवे ता बाद इसके वो दिन आवे जो दायमी वादे का दिन है वो हमारा खुदा वादों का सच्चा और वफ़दार और सादिक खुदा है वो सब कुछ तुम्हें दिखलाएगा जिसका उसने वादा फरमाया है अगर ये दिन दुनिया के आखिरी दिन हैं और बहुत बलाएँ हैं जिनके नज़ुल का वक्त है पर ज़रूर है कि दुनिया कायम रहे जब तक वो बातें पूरी ना हो जाएँ जिसकी खुदा ने ख़बर दी और अभी तो बेशुमार बातें हैं बातें हैं अल्लाह ताला के आपसे जो पूरे होने वाले हैं आपने फरमाया मैं ख़ुदा की तरफ से एक कुदरत के रंग में ज़ाहिर हुआ और मैं ख़ुदा की एक मुजस्म कुदरत हूँ और मेरे बाद, बाद और वजूद होंगे जो दूसरी कुदरत का मजहर होंगे बस अल्लाह ने इस्लाम की नशतानियाँ और तरक्की के बारे में हज़रत मसीम इसम से जो वादे किए हुए हैं जिन बातों के पूरा होने का अल्लाह ने आपको बताया हुआ है वो इनशा ज़रूर पूरी होंगी वो वादे ज़रूर पूरे होंगे इस्लाम के गलबा के दिन जमात इन शेखेगी जमात की तरक्की के दिन जमात देखेगी इनशा जो लोग खिलाफत से जुड़े रहेंगे वो अल्लाह के फजलों के बारिश बनते चले जाएंगे। जमात अहमदिया ने दुनिया में फैलना है और यही हजत असला तो सलाम ने फरमाया है सोचिए आप अपनी जमात के गलबे के बारे में फरमाते हैं ये खुदा ताला की सुन्नत है और जब से कि उसने इस उसने इंसान को ज़मीन में पैदा किया हमेशा वो इस सुन्नत को ज़ाहिर करता रहा है कि वो अपने नबियों और रसूलों की मदद करता है और उनको गलबा देता है जैसा कि वो फरमाता है कतब अल्लाह अगले बनना अना और रसूली और गलब से मुराद ये है जैसा कि रसूलों और नबियों का ये मंशा होता है कि खुदा की हजरत ज़मीन पर पूरी हो जाए और उसका कोई मुकाबला न कर सके इसी तरह खुदा तला कभी निशानों के साथ उनकी सच्चाई जाहिर कर देता है और जिस रास्तबाजी को वो दुनिया में फैलाना चाहते हैं उसकी तो म उन्हीं के हाथ से कर देता है लेकिन इसकी पूरी तकमील उनके हाथ से नहीं करता बल्कि एक दूसरा हाथ अपनी कुदरत को दिखाता है और ऐसे उसबाब पैदा कर देता है जिनके ज़रिए से वो मकासद जो किसी कदर ना तमाम रह गए थे अपने कमाल को पहुँचते हैं बस हजम सिम ने ये पेशगोई फरमाई है पेशगोयाँ जो फरमाई हैं अल्लाह ताला के जिन वादों का ज़िक्र फरमाया है उन्होंने अपने कमाल तक पहुँचना है और ये आपके बाद जारी निज़ाम बाद जो निज़ाम खिलाफत है जारी निज़ाम खिलाफत है उसके ज़रिए से ही पहुँचना है अल्लाह ताला ने जमात को तरक्की देनी है और दे रहा है ख़ुद लोगों की रहनुमाई फरमाता है खिलाफत के साथ उनको जोड़ता है और जोड़ रहा है वरना इंसानी इस... बस की बात नहीं है ये अफराद जमात और खलीफा वक्त को एक ऐसे मज़बूत बंधन में बांध बांधना जिसकी मिसाल मुमकिन ना हो ये इंसान के बस की बात नहीं और ना सिर्फ ये कि उन लोगों के दिल खिलाफत के साथ जोड़ता है अल्लाह ताला जो पहले आमदी हैं बल्कि उनके भी दिल खिलाफ़ के साथ जोड़ता है कि जो खुद बाद में शामिल हो रहे हैं और बिल्कुल नए आने वाले हैं जिनकी पूरी तरह तरबियत भी नहीं है ये सिर्फ खुदा ताली का ही काम है वही अखलास वफा बेहद के बाद लोग हज़रत लोगरत मसिम्लाम से दिखाते हैं वही अखलास वफा हजरत मसिमसम के मिशन को पूरा करने के लिए और आप्लाम के नाम पर खिलाफ अहमियत से दिखाते हैं और दिखा रहे हैं खलीफत तो मसी अव्वल की बैत जिस तरह लोगों ने की वो अल्लाह की खास अल्ल तालस तयनसरत नहीं थी तो और क्या था सुबह चंद मुनाफिक तब लोगों के जो जो हर जमात में होते हैं खिलाफत के फिदाई और शदाई बढ़ते चले गए और जो मुनाफिक थे उनकी आपने अच्छी तरह सरदनश की और उनको उनके मुकाम पर रखा उनको सर उठाने की हिम्मत नहीं हुई फिर खिलाफत सानिया के इंतवाब के वक्त इन्हीं मुखालफों मुखालफ़ों के शोर मचाने के बावजूद जो खिलाफ़त उला में मुनाफ़त करते हुए जमात में रह रहे थे उन्होंने मुखालफत की जमात ने हर, लेकिन जमात ने हजरत मियाँ साहिब मिर्जा महमूद साहिब कहकर हज खलीफतमसानी की बैत कर ली बावजूद इन लोगों के बरगलाने के लोगों को शोर मचाने के फितना और फसा पैदा करने के और फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह तेज़ी से जमात तरक्की करती चली गई दुनिया में मिशन हाउस खुले मसाजिद बनी लिटरेचर की इशात हुई वो काम जिनके करने के लिए हज़रत मसीम आए थे आगे बढ़ते रहे फिर खिलाफ़ते सालसा में अल्लाह ताला ने बावजूद हकूमत वक्त के बहुत सख्त हमले के जमात पुत्र की से नवाजा कुछ कोल जमात के हाथ में पकड़वाने वाले बहुत बुरी हालत में दुनिया से रुसत हुए फिर खिलाफत राबिया ने तरक़्ियात का एक और बाप खुला, अल्लाह तला की तैदात और नुस्त के नए नज़ नज़ारे हमने देखे इशात इस्लाम के नए नए रस्ते खुले, खलीफे वक्त के हाथ काटने का सोचने वाले वालों के अपने हाथ कट गए और फजा में उनके जिसम बिखर गए लेकिन जमात की तरक्की के कदम नहीं रुके तबलीग के मैदान में वसत पैदा हुई एम टी ए का आगाज़ हुआ जिससे हर घर में जमात का पैगाम पहुँचना शुरू हुआ ये हज़रत मसिमल्लाम असला तो से ताल के वादों की तकमील की तरफ पढ़ना है और यही चीज़ है अगर ये समझे को अगर ये अल्लाह ताली के वादों का पूरा होना नहीं तो और क्या था फिर खिलाफत खाम में भी अल्लाह ताला ने अपनी ताइदाद और नुसरत के नज़ारे दिखाए एम टी ए में ही इस्लाम का पैगाम पहुँचाने और हज अलैहि इस्लाम के मिशन को पूरा करने के लिए नए नए रास्ते खुलने का इंतज़ाम हुआ एक के बजाय एम टी ए के साथ आठ चैनल मुख्तलि ज़बानों के जारी हुए दुनिया की मुख्तल ज़बानों ज़ुण में मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के तर्जे होने शुरू हो गए दुनिया के हर कोने तक जहाँ पहले एम टी ए नहीं जा रहा था वहाँ भी एम टी ए पहुँच गया और वहाँ की अपनी ज़बान में उन लोगों उन मुल्कों और उन इलाकों के रहने वालों को अहमदियत और हकीकी इस्लाम को पैगाम तो पहुँचने लग गया जिससे लाखों सीद रूहों को अहमदियत कबूल करने की तो़ीक मिली फिर अल्लाह ताला ने एम टी ए और रेडियो प्रोग्रामों के अलावा ख़ुद भी लोगों की रहनुमाई फरमाई और लोगों को ख़्वाबों के ज़रिए और मुख्तलिफ लिटरेचर के ज़रिए अहमदियत के पैगाम को कबूल करने की तो़ीक दी हम जब अहमियत की तारीख देखते हैं तो पता चलता है कि किस तरह बाज़ लोगों की खुद हजरत सलाम को मानने की अल्लाह ताला आपके ज़माने में भी रहनुमाई फरमाता था फिर यही सिलसिला अल्वल के ज़माने में भी जारी रहा अल्लाह खुद रहनुमाई फरमाता रहा फिर और शहीद रूहें जो है थी वो जमात में शामिल होती रही हैं फिर खिलाफत सानिया में भी बहुत से ऐसे वाक़ात हैं पुराने ख़ानदानों में के घरों में ये रवायात चल रही हैं किस तरह अल्लाह ताला ने उनके बड़ों को हक़ कबूल करने की तौफीक दी फिर खिलाफत सालसा में भी ये ससाला आता है खिलाफत राबा में भी सही रूहों को अल्लाह ताला की तरफ से अहमदियत कबूल करने की तरफ़ रहनुमाई हुई ये सब अल्लाह ताला के तजत मसीमत तो से बात गंदीजत था इस तरह हर खिलाफत के दौर में जमात बढ़ती रही खिलाफत खामसा में भी अल्लाह ताला का यही सलूक है अल्लाह ताला तबलीग के नए नए रास्ते भी खोलता जा रहा है और लोगों के दिलों को भी हज़रत मसीम के पैगाम को जो इस्लाम का हकीकी पैगाम है उसको सुनने और कबूल करने की तरफ मायल करता चला जा रहा है ऐसे ऐसे वाक़ होते हैं जो खालस ताइद इलाही का पता दे रहे होते हैं वरना सिर्फ़ इंसानी कोशों से कभी इस तरह लोग कबूल ना करें मैं चंद वाक़ बयान कर देता हूँ किस तरह अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों को इस्लाम और अहमदियत की तरफ़ फेरने के समान फरमाए और खिलाफत अहमदिया की भी सच्चाई पर उन सच्चाई जो है उन पर खोली और किस तरह लोगों के दिलों में खिलाफत से मोहब्बत पैदा की किन्नी मिसाव एक अफ्रीका का दूर दराज का मुल्क है वहाँ एक ईसाई दोस्त थे अब्दुल्ला साहब पहले वो बयान करते हैं कि कुछ से पहले उन्होंने ख्वाब देखी कि एक शख़्स है जिसकी सफ़ेद दाढ़ी है और उसने पगड़ी पहनी हुई है और लोगों से खिताब कर रहा है और मुकम्मल ख़ामोशी के साथ लोग ये खिताब सुन रहे हैं उस शख़्स का खिताब करने का अंदाज़ बिल्कुल सादा और कहता हमारे लोगों से मुखलफ़ था जब उसकी आँख खुली तो उनको कुछ समझ नहीं आई फिर वो भूल गए कुछ दिनों के बाद फिर उनको दोबारा किसी तरह से मिलती जुलती ख्वाब आई और इससे उनके जहन में वो चेहरा बैठ गया फिर तीसरी मरतबा उनको ख्वाब आई लेकिन वो कोशिश करते रहे कि पता चले कि ये कौन शख़्स है लेकिन पता नहीं कर सके एक दिन इतफाक़ से गांव के करीबी शहर फरीन वाक़ हमारी मस्जिद में गए उस दिन जुमा था अबाब जमात मेरा ख़ुतबा जुमा सुन रहे थे एम टी ए पर कहते हैं मुझे देख कर उन्होंने फ़ौरन वालन साहब से पूछा कि ये कौन शख्स है जो खुतबा दे रहा है मैंने कहा कि हमारे खलीफा हैं। बहरा वो उस पर खामोशीज बैठे खुतबा सुनते रहे और जुमे के बाद सब अहबाप के सामने खुतबे के बाद अहबाब के साथ नमाज़ अदा की नमाज़ ख़त्म होने के फ़ौर बाद खड़े हो गए और कहने लगे कि मैं आज इस्लाम कबूल करता हूँ और बताने के लगे कि तीन बार मुझे खुदा तला ने एक शख्स दिखाया है ख़्वाब में जिसका मेरी युवक पर बड़ा असर था और मैं एक अरसे से इस तलाश में था मगर आज इतफाक से आपकी मस्जिद में आया हूँ तो आपके खलीफा को देखा है वही चेहरा है जो मैंने ख्वाब में देखा था और इसी तरह का नज़ारा था जो मैंने ख्वाब में देखा था कि लोग खामोशी से बैठे ख़ताब सुन रहे हैं और मैं इस्लाम अहमदी दिन दाखिल होता हूँ एक दूर दराज इलाके के शख्स की इस तरह रहनमाई पहले ख्वाब दिन देखते हैं फिर अल्लाह तला ऐसे समान भी कर देता है कि वो उसी तरह का नज़ारा भी नज़र आ जाए बाद लोग कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता तो ये तो अल्लाह ताला का फजल है जिसकी चाहे रहनुमाई फरमाए लेकिन इसके लिए नेक फितरत होना भी जरूरी है और अल्लाह ताला की तरफ झुकना भी जरूरी है यकीनन इंसान की कोई नेकी होगी उस ने शख्स की जो अल्लाह ताला ने इस तरह उनकी रहनुमाई फरमाई फिर गैम्बिया के अमीर साहब ने लिखा कि वहाँ एक खातून है सिस्टर फाटो साहेबा साठ साल के करीब उनकी उम्र है वो कहती हैं हमारे इलाके में जो एक इस्लामी ग्रुप के अफराद आए और जमात के खिलाफ बातें करने लगे कि अहमदी काफिर हैं, वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते उनसे किसी किस्म का लेन देन नहीं रखना चाहिए <coughs> गाँव के अक्सर लोगों ने उनकी बातों को मान लिया लेकिन ये खातून कहती हैं कि वो परेशान हो गई और उन्होंने अल्लाह ताला से रहनुमाई के लिए दुआ करनी शुरू कर दी कुछ दिन के बाद उन्हें ख्वाब आई कि इसी इस्लामी ग्रुप के अफराद जिन्होंने इस गांव का दौरा किया था इनकी आँखें गो आँख तारों की तरह चमक रही हैं और उन्होंने हाथ में कुरान कुरान मजीद भी पकड़ा हुआ है लेकिन वो ये शिकायत कर रहे हैं कि क़ुरान मजीद की तहरीर को देख नहीं सकते इस पर वो शोर मचाने लगे कि अल्लाह ताला ने उन्हें अंधा कर दिया और इस तरह वो अपनी रोज़ी भी नहीं कमा सकते और जलीलु ख़ार और तबाह हो गए हैं उन्होंने कहती हैं कि मैंने ख़्वाब में ये भी देखा कि इस ग्रुप के मम्बरान जमात अहमदिया के खलीफा के साथ हाथ में लाना चाहते हैं पर इसमें वो कामयाब नहीं हो सके और ये इतराफ़ कर रहे हैं वो कि अहमदिया तो बेश सच है मगर अगर हम मान लें तो हमारी फिर हमारे मुरीद हमसे फिर जाएंगे बहरहाल इन ख़ातून ने अपने घर वालों को ये खात सुनाई सुबह और कहते हैं लोगों के अफ्रीकनों में सोच समझ कम है लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी तबीर भी ये की कि जिस तरह रोशन आँखें थीं उसके बावजूद कुरान की तहरीर नहीं पहचान रहे इसका मतलब यही था कि वो हक़ से मुकम्मल तौर पर गुमराह हो चुके हैं तो ऐसे अजीब वाक़ बाज लोगों के कब्ल अहमदियत के होते हैं लोगों के कबूली अहमदियत के होते हैं कि ज़ाहिर हो रहा होता है कि की खास तारीफ इन लोगों को ये नज़ारे दिखा रही है गोइे माला साउथ अमेरिका के मुल्कों में से यहाँ से जो मस्जिद है हमारी ढाई सौ किलोमीटर मीटर दूर मैक् मैक्सिको के बॉर्डर पर एक जगह है शान मार्कस वहाँ की एक ख़ातून है फिर कहती हैं मैंने दस साल का ख़्वाब पहले ख्वाब में देखा था कि एक शख्स ख्वाब में आए हैं और उन्होंने कहा सच्चाई का रास्ता इस्लाम है कुरान, मस्जिद पढ़ने को कहा लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो कुरान पढ़ना नहीं जानती मगर उस शख्स ने कहा तुम पढ़ सकती हो सुबह उठकर उन्होंने अपने खावत और बाप से ख्वाब का जिक्र किया तो उन्होंने कहा इस्लाम की सिंचाई का रास्ता नहीं ये करती है ये दहशत गर्दी का मज़हब है ईसाई लोग हैं सारे लेकिन कहती हैं मेरे दिल को सुकून नहीं हुआ मैंने इंटरनेट पर इस्लाम के बारे में तकलीफ शुरू कर दी और ख़ुद ही इंटरनेट से सीख रही थी इस्लाम के बारे में एक दिन बाजार में जा रही थी एक पर्देदार खातून को मिल गई दोबारा तो उनको पर्दा देख के उनको तजस पैदा हुआ उसको जाके मिली, और उससे पूछा तुम्हारा ये लिबास कैसा है उन्होंने कहा मैं मुसलमान हूँ इसलिए मैंने पर्दा किया हुआ है चुनाचे उनसे इनका हो गया और उसने इस्लाम की बारे में तफसील बताई वो ख़ातून जो आमदी थी कहती हैं मैंने तो ये उनकी बातें सुन के इस्लाम की तालीम पर को सुन के बैत कर ली लेकिन घर वाले राज़ी नहीं होते थे कोई ना कोई एतराज कर देते थे उनका जवाब कहती मैं नहीं दे सकती थी तो फिर उन्होंने उनको कहा कि आप हमारे घर आए रिश्तेदारों को इकट्ठा करूँगी इतराजा के जवाब दें चुनाचे हमारी बेशुमार तब्लीगी नश्स्तें हुई तब्लीग भी करने गई सिर्फ बैत नहीं की बल्कि तो पैगाम भी आगे पहुँचाने गई दोस्तों को इकट्ठा किया और फिर उनके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम भी किया इनका एक बेटा है जो वकालत की तालीम हासिल कर रहा है यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में उसने भी बैत कर ली और इनको इतना जोश और शौक़ है कि इंटरनेट के ज़रिए इन्होंने नाजरा कुरान करीम खुद सीखा बहुत सारी सूरतें ज़ुबानी याद की और फिर आडियो सुन के अपनी ज़ुबान में रोमन में अरबी तो नहीं लिख सकती थी कुरान करीम पूरे का पूरा लिखा वीर साहब कहते हैं कि जब मैं दौरे पर गया हूँ तो उनकी नोटबुक देखी सारा कुरान करीम उन्होंने हाथ में हाथ से लिखा हुआ था और अब अरबी भी लिख रही हैं सीख रही हैं उस अरबी में लिख रही हैं इस तरह लदाला ना सिर्फ़ शहीद रूहों को जमात में ला रहा है बल्कि आपके बाद जो आपसे बातें थे उनको भी पूरा फरमा रहा है इंडोनेशिया एक और दूर दराज का इलाका वहाँ एक नौजवान को तब्लीग की गई तो उसने फौरन बैठ कर ली सदर जमात कहते हैं उस जम्त के नूर साहेब कि मैंने उसको वापस जाने से पहले कुछ किताबें दी और हज़र मसिम की तस्वीर वाले ब्रोशर भी दिए जब वो नौजवान घर पहुंचा तो उसके वालिद ने एक ब्रोशर देखकर पूछा कि यह तस्वीर किसकी है उसने जवाब दिया लड़के ने कि ये महामेहदी की तस्वीर है कल रात मैंने ख़्वाब देखी थी के मामी तशरीफ़ ले आए हैं इसलिए मैंने कुछ जमात का तारफ़ था पहले तो मैंने फ़ौर बैत कर ली है इस पर इसके बाद कहने लगे फिर तो मैं भी बैत करना चाहता हूँ इस तरह अल्लाह ताला शामिल कर रहा है बकीना फासो के मोल में ज़िल करीम साहब कहते हैं कि हमारे इलाके के एक रिहायशी हैं हमीद साहेब बाकायदा रेडियो सुनते थे जमात से हमदर्दी भी रखते थे चंदा भी दे देते दे थे, थे कभी आके बल्कि बज दफ़ा बाकायदगी देने लग गए थे लेकिन वैध करने को कहा जाता तो किसी ना किसी तरह टाल देते तो आम चंदा तो नहीं देते होंगे तारीख बफरी में दे देते दे दे होंगे या किसी और मत में सदक़ात में बहरहाल चंदा देते थे ये जुमाली कुर्बानी है वो दे दिया करते थे गाना भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग आके जब मैं वहाँ था तो जुकात जो ज़िम्मेदार थे ज़ुक़ात अपनी दे जाया करते थे कि अपने मौजूद को दें तो वो खा जाएँगे जमात अहमदी का सही इस्तेमाल करेगी तो बहरहाल इतना लोग वहाँ देते हैं एक दिन उन्होंने ख़्वाब में देखा कि इजतमा हो रहा है जिसमें लोग एक चार दीवारी के अंदर हैं और कुछ बाहर चारदिवारी से कहते हैं मैंने देखा इस चारदवारी के अंदर तमाम अहमदी अभाव हैं इस पर तो मैं कहता हूँ मैं भी इनके साथ हूँ मुझे भी अंदर दाखिल किया जाए तो आवाज़ आती है कि इस चारदिवारी में वही दाखिल हो सकते हैं जिन्होंने बैत की है और आपने चूँकि बैत नहीं की इसलिए आप इसके अंदर नहीं जा सकते जा उस तरह से अगले दिन ही उन्होंने आके बैत कर ली इस खाब के बाद इंसानी कोशें तो उन्हें जमात में शामिल नहीं कर सकें लेकिन नेक फितरत थे अल्लाह ताला ने उन्हें ज़ाया नहीं कर किया अल्लाह ताला जाया नहीं करना चाहता था इसलिए इस तरह उनकी रहनमई सुनवाई ये भी उन लोगों के जवाब एतराज़ का जवाब है जो ये कहते हैं कि हमें तो ख़्वा नहीं आती तो लपाक फितरत बने जहन को खाली करें दुआ करें तो फिर ही अल्लाह तहनमाई भी करता है माली एक, एक दोस्त हैं मोहम्मद साहब मोहम्मद कौन है मुँण मुँण को ने। उन्होंने जमात की रेडियो को सुना और लोगों लोग जो जमात के खिलाफ बोलते हैं उनकी बातें भी सुनी इसके बाद उन्होंने दुआ करनी शुरू कर दी अल्लाह ताला उन्हें क्यों अल्लाह ताला उन्हें सीधी रात दिखाए उसके बाद कहते हैं मैंने ख़्वाब में एक शख्स को देखा जो कह रहा था कि हर बंदा बुज़ुर्ग थे कह रहे थे कि हर बंदा अहमदियत में आएगा खा अभी आए या बाद में तो ये तो अल्लाह ताला की तकदीर है मसीिम तो से अल्लाह ताला का वादा है और जैसा कि हज़रत ने फरमाया कि खिलाफत अहमदीत की जारी नमत जो है उसके ज़रिए से हजरत मसिम के मिशन की तकमील होगी बहर इस बात पर उन्होंने बैत की फिर गिनी बसाओ क्यों बल्लग ने लिखा कि हमारे नौबाएँ हैं उस्मान साहब। उन्हें इलम हुआ कि उनके रिश्तेदार कसरत से अहमदीद कबूल कर रहे हैं तो बाद मौलियों को इकट्ठा करके इस इलाके में लेकर आ गए ताकि जमात की मुखालफत कर सकें तो हमारे मौलम ने उन्होंने कहा कि आप ज़रूर मुखालफत करें आपको रोका नहीं जाता मगर हमारा पैगाम एक मरत सुन लें बात सुन लें फिर जो मुखालफत करनी ही करें दलील के साथ मौलवी साहबान ने जो आने से इनकार किया मगर पैगाम सुनने के लिए मगर उस्मान साहब ने दावत कबूल की और जमात का पैगाम सुनने आ गए उन्हें हजरत मसीम की आमद के मतलब बताया गया जिस दिन वो आए जुमे का दिन था और वहाँ उस दिन एम टी ए पर मेरा खुतबा आ रहा था तो हमने उन्हें कहा कि अगर आपके पास वक्त है तो कुछ देर खुतबा सुन लें तो उन्होंने कहा थोड़ा सा वक्त है, मैं थोड़ी देर के लिए ख़ुदबा सुन लेता हूँ लेकिन जब से ख़ुतबा सुनना शुरू किया तो भूल गए कितना वक्त लग गया और मुकम्ल ख़ुतबा सुना बाद में कहने लगे कि अहमद जमात काफिर नहीं हो सकती जैसा कि मैंने सुना है क्योंकि आपके खलीफा तो सहाबी हजरत मोहम्मद रसोल व्लम की सीरत पेश कर रहे हैं और कोई काफिर जमात ये काम नहीं कर सकती इसके बाद ज़मात की मुखालफत उन्होंने तो ख़त्म कर दी और कुछ अर्स बाद अपनी फैमिली के साथ जमात में शामिल भी हो गया और अब ना सिर्फ शामिल हुए बल्कि अब तब्लीगी भी कर रहे हैं अपने चंदे जी की बाकायदगी देते हैं तो ये भी खुतबात का असर हो रहा है जो अल्लाह ताला फ्री हो तो खुतबात में डालता है कोंगो छा वहाँ के लोकल मिशनरी कहते हैं कि एक, एक इलाके में हमने तब्लीगी मुहिम शुरू की गैर जमात ने मनज़म तौर पर मुखालफत का आगाज़ कर दिया तीन माह के बाद एक दिन उन्हें उन्हीं मुखालफ में से एक दोस्त उस्मान साहब ने मिशन में रब्ता किया और कहा कि अपनी सारी फैमिली के साथ जमात में शामिल होना चाहते हैं जब उनसे वजह पूछी गई तो कहने लगे कि एक दिन मेरी बीवी सेटेलाइट चैनल देख रही थी तो आपका चैनल एम टी ए लग गया चूँकि उसको मालूम था कि मैं अहमदियद की मुखालफत में पेश पेश था इसने मुझे ही बुला लिया और जब मैं जमात के बारे में कुछ गलत बोलने लगा तो मेरी बीवी ने कहा कि पहले पूरा प्रोग्राम सुनो फिर बोलना उस वक्त भी वहाँ एम पर मेरा खुतबा नशर हो रहा था खुतबा सुनने के बाद मुझे यक़ीन हो गया कहते हैं कि जो आवाज़ आज मेरे कानों में पड़ी है यही इस्लाम की हकीकी तस्वीर है और खलीफा को सुनने के बाद जमात की सिंचाई में मुझे कोई शक नहीं रह गया अब अभी मेरी जात का कोई कमाल नहीं है बल्कि अल्लाह ताल ने खिलाफत के ज़रिए से हजरत मसीम के मिशन की तकमील का जो वादा फरमाया है ये अल्लाह त फल हैं और उनका इधार है गिनी बसाओ के ऊबरलग इंचार्ज कहते हैं कि एक गांव में तरीक की अक्सर एहब ने एहद कबूल कर ली चार ख़ानदानों ने एहदी कबूल करने से इनकार कर दिया जब हमारी टीम वहाँ एम टी ए करने गई तो मौलम साहब ने इन तमाम ख़ानदानों को भी जो इनकारी थे मतू किया कहा कि हमारा मुस्लिम चैनल है इसे देखें यहाँ आप तस्वीर तो भी देख लेंगे हजरत नसीम ले इस्लाम की भी और खलीफा वक्त की भी तो वाहरल कहते हैं जब जब इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो गई नमाज की अदायगी करने के बाद जब दोबारा टी वी ऑन किया गया तो उस वक्त खुतबा चल रहा था मेरा एम टी ए पे उन्होंने जो गैर जमत थे उन्होंने बड़े गौर से सोना खुतबा देखते रहे मुझे और इंग्लिश ज़बान में क्योंकि जो आ रहा था तो मरलम ने कहा मैं आपको तर्जमा कर देता हूँ तो कहने लगे तो मुझे समझ नहीं आ रही मगर मैं खुदा की कसम कह सकता हूँ कि ये शख्स जो बोल रहा है ये झूठ नहीं बोल सकता और अगर ये जमत अहमदी खलीफा है तो जमात कभी झूठी नहीं हो सकती और उसी वक्त फिर अहमदी कबूल करने का उन्होंने ऐलान किया माली से वहाँ के मालूम लिखते हैं एक मिशन एक शख्स हमारे मिशन आया और बताया कि बाकायदगी के साथ आपको रेडियो सुनता हूँ और बैत करना चाहता हूँ मसूफ ने बैत फॉर्म पूर्ण कर लिया क्योंकि ये पढ़े लिखे थे इसलिए ये कहने लगे कि अगर कोई लिटरेचर फ्रांसी जबान में है तो मुझे दें ताकि मैं इससे भी इस्ता करूँ और अपने साथियों को भी दूँ मम ने उन्हें जो किताब मुख्य लेक्चर हैं मेरे एड्रेस हैं अमन के ऊपर वर्ल्ड क्राइसिस और पाथवे टू पीस में उसका फ्रेंच तर्जमा दिया इनको उन्होंने वहीं किताब खोली जब उन्होंने तस्वीर देखी तो रोने लग गए उन्होंने बताया कि पहले मैं गुन में था और ख़ुदा से हमेशा सीधे रास्ते की हिदायत मांगता था उस वक्त मैंने बेशुमार दफ़ा देखा है तो मसीह को ख्वाब में और मुझे पता नहीं चलता था कि कौन शख्स है आज मुझे समझ आई है कि मेरी दुआ कबूल हो गई अल्लाह ताला ने मेरी रहम सुनवाई नस्मा साहब हैं मैं औरत हैं कहती हैं कि बैत से दो साल कबल मैंने पहली दफ़ा हजतकद मसीम की तस्वीर देखी तो मुखातब करके अर्ज किया तस्वीर को मुखातब करके कहती हैं यार मैं ना इससे पहले वो जिक्र कर रही हैं कि आपने बच्चे का जिक्र किया था जिसने टेढ़ी मेढ़ी तस्वीरें खींची लकीरें खींची हुई थी और ये लिखा था कि हजूर मुझे आपसे प्यार है तो बहरहाल कहती हैं बच्चे झूठ नहीं बोलते और बड़ा असर था मेरे दिल पर इन्होंने भी बैत कर ली कुछ अरसे के बाद कहती हैं कि लेकिन मैंने तस्वीर देखे मुसिम से ये अर्ज किया कि आप ख़द ख़ाल तो बताते हैं कि आप नेक आदमी हैं और झूठ नहीं बोलते लेकिन इसके बावजूद मैं आपकी इस बात में तस्दीक नहीं कर सकती कि आप आसमानी मबूस हैं कहते हैं इसके दो साल के बाद मुताे किया मैंने दो हज़ार सोलह के शुरू में बैत कर ली उसके बावजूद खिलाफत के बारे में दिल में शक था मेरे नफ्स का शजान कहता था कि खिलाफत के दाबे दावेदार को मैं कैसे अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल दे दूँ क्यों मैं ऐसे शख्स को ख़त लिखूँ और अपने हालात बताऊँ खिलाफत का क्या फ़ायदा है कहती हैं लेकिन ये शक हज मुस्लिमों की किताब खिलाफत राशद और आपकी किताब निज़ाम खिलाफत और इत के मुताले से ज़ायल हो गया मुझे वजाहत हो गई सारी बातों की फिर मैंने ख़त लिखा और जो आपका जवाब आया उससे वो शक खुलियतन ख़त्म हो गया और यकीन हो गया कि खिलाफत भी हज मसिम्सम के, के कदमों पर चलने वाली है फिर एक लिखती हैं कि जो मोहब्बत खुल खुद दिलों में डालता है वो खूब मज़बूती से डालता है और हमें इसका सबब मालूम नहीं होता फिर कहती हैं इसीलिए अक्सर अहमदियों को हज़रत हज तक मसीिम से मोहब्बत और आपके खुलफा से अमूमन और आपसे खसूस मोहब्बत बच्चों की सी मोहब्बत है बैस से कबल हमें इस किस्म की मोहब्बत का कोई अंदाज़ा नहीं था नाइजरिया सर्कट मिशन कहते हैं कि एक मजलिस सवाल जवाब के दौरान लोगों की इस बात पर बहस चली कि बच्चों को बाप के नाम की मुनासिबत के नाम साथ पुकारने के बजाय इनके फैमिली नाम जो उनके आबाव वजदाद के चले आ रहे हैं उसके साथ पुकारा जाए इस पर उन्हें बताया गया है कुर करीम की तलीम है कि बच्चों को उनके अपने बापों के साथ नाम के साथ पुकारो जिस पर बाज़ लोग बिल्बुलखूस गैरहमदी और नवबाई हजरात अभी पूरी तरह मतमन नहीं थे मगर दो दिन के बाद कहते हैं जो अपने खुतबा को दे रहे थे सहाबा पर तो जैद बिन साबित के वक़ात बयान किए और ये बताया कि जैद अरब जैद बिन मोहम्मद कहने लगे थे जैद को तो अल्लाह ताली का हुक्म आया कि उन्हें इनके बाप के नाम से याद किया जाए ये ख़ुद बस सुनकर सारी जमात और वह अहबाब भी बहुत खुश हुए जो दो दिन पहले ही वेस्क रहे थे कि अब खुली हो वक्त ने हमारी रहनमाई कर दी है बाद लोगों को ये ख्याल हुआ कि शायद इन दिनों में उबर लगने दो दिनों में उबर लगने खुशिया तो हाँ खबर पहुँचाई हो खुल हो वक्त को तब उन्होंने जिक्र कर दिया लेकिन उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं बताया तो फिर ये जमात कहते हैं कि इस खुशी हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे अल्लाह ताला ने खुद ही हमारे सवाल का जवाब दिलवा दिया और इस खुशी में जमात जम्त केद ने अमीर आदमी ने एक और बड़ा टीवी खरीदा एम टी देखने के लिए कि मस्जिद के उस हिस्से में लगवाया जाए जहाँ लजना है और औरतें बैठी हैं ताकि वो भी खिलाफत की बरकत से मरूम ना हों तो कहने लगे खिलाफत वो दिलों में बोलती है अब इन दूर दराज इलाक़ों में मुख्त ममालिकने वाले जो अहमदी हैं मुख्तलिफ़ कौमों के हैं नस्लों के हैं ये खिलाफत से ताल्लुक़ कौन पैदा कर रहा है यकीन ये लल्ल ताइदर नसरत है पर मैं इंसानी सोच इसका अत्या नहीं कर सकती फिर नॉर्वे से ख़ातून है बरीफान साहिबा कहती हैं कि हर सच्चा अहमदी कहता है कि हमारे प्यारे हजूर हमारे दिलों और आँखों में बसते हैं और हम उनके लिए दुआ करते हैं इस दुनिया में हमारा कोई हम वम नहीं सवाए इसके कि आपको खुश करने और आपको बोझ बाँटने के तरीके सोचे आपने खुतबात में बयान फरमाया कि कैसे सहाबा कराम ने अपने जिसमों पर तीर लेकर रसूल करीम सलील वसल्म की हिफाजत की और हमलों के सामने डटे रहे इस नज़ारे को सोच कर मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं और सोचती हूँ कि अगर मैं ऐसे मौके पर होती तो क्या करती और नौ औरत हैं ये क्या डटी रहती फिर दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि इन सहाबा की तरह खलीफा वक्त और खिलाफत की अपने दिलो जान और माल और औलाद को कुर्बान करके भी हिफाजत करें कई साल से मैं नमाज़ में दुआ करती हूँ कि जितने आपके हम और गम और जितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं अल्लाह ताला आप पर इन सब की तदाद के बराबर रिश्ते नादर फरमाए जो आपको अपने घेरे में रखें बस ये है वो अखलास व वफा का तल्लु जो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में पैदा कर रहा है और इन शाह तैयाम तक अल्ला ये वफा और अखलास में पढ़ने वाले हज मसिम असलम की जमात को कोता फरमाता रहेगा ख़िलाफत अहमियत कोता फरमाता रहेगा दुनियादार इसको नहीं समझ सकते जर्मनी में एक अरब ने बैत की तो इसके वाकफ कारने से कहा कि तुम क्या कादियानी हो गए हो इस ने जवाब दिया कि तुम लोग यहाँ सौ अरब हो अरब था क्या तुम लोग किसी बात पर इकट्ठे नहीं हो सकते सौ जमात अहमदी में एक इमाम है और उसके कहने पर जमात उठती है और बैठती है और इसीलिए इसके काम में बरकत है तो अब बताओ तुम्हारे में क्या खूबी है जो मैं तुम्हारे साथ मिल जाऊँ और उनको छोड़ दूँ बस जब तक खिलाफत खिलाफत से हार अहमदी चिमटा रहेगा अल्लाह ताला के फर्जों फजलों का वारिस बनता रहेगा इसके लिए हमें अपने अमलों को भी ख़ुदा ताला की तालीम के मुताबिक ढालना होगा तभी ये नेमत फ़ायदा देगी यही अल्लाह का वादा है कि जो लोग ईमान लाने के साथ अपने अमल अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक रखेंगे वो खिलाफत की बरकत से फैज़ पाते रहेंगे यानी हम अल्लाह पर काम ईमान लाते हुए उसकी इबादत का हक हाँ आने वाले भी हों और हमारा हर अमल अल्लाह ताला की रज़ा की तलाश करने वाला हो तभी हम ये फैज पाएँगे हजत मसिम फरमाते हैं कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने ईमान के साथ अमल साले भी रखा है अमल साले उसे कहते हैं जिसमें एक जर्रा भी फसाद ना हो और फरमाते हैं अगर एक आदमी भी घर में अमले साले वाला हो तो सब घर बचा रहता है समझ लो कि जब तक कि तुम्हें अमले साले ना हो सिर्फ़ मानना फ़ायदा नहीं करता बस हमें अपने जायजे लेते रहना चाहिए कि किसी वक्त भी शताना पर हमला ना करे अल्लाह ताला ने हमारे हज़रत कोसिम अलैहिस्सलाम के मानने की तौफीक दी या हमें आपको मानने की तौफीक दी ये उसका एहसान है और इस एहसान के फैज़ को जारी रखने के लिए हमें मुस्तकिल अपने ईमान को बढ़ाने और ईमान पर नज़र रखने की ज़रूरत है ताकि हम में से हर एक इस फैज़ से भी हिस्सा पाता रहे जिसकी पेशगोई आ हज़रत अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी और जिसका वादा अल्लाह तजरत मसीम से फ़रमाया यानी खिलाफत का निज़ाम बस अपने जायज़े लेते रहने की ज़रूरत है कि किस कदर हम खिलाफत से अपने आप को जोड़ने वाले हैं ताकि हम खुदा ताली की वदानियत को एक होकर दुनिया की दुनिया में कायम करने वाले हों। होंत अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं तुम्हें खुशखबरी हो कि कर्फ पाने का मैदान खाली है यानी अल्लाह ताली का कर्फ पाने का मैदान खाली है उसकी तरफ बढ़ने का मैदान खाली है हर एक कौम दुनिया से प्यार कर रही है और वो बात जिससे खुदा राज़ी हो दुनिया को इस तरफ तोज़ो नहीं खुदा की तरफ आने आने की तरफ तोजो नहीं दुनिया की वो लोग जो पूरे ज़ोर से इस दरवाज़े से दाखिल होना चाहते हैं यानी अल्लाह ताला की तरफ बढ़ने वाले दरवाजे के दाखिल होना चाहते हैं उनके लिए मौका है कि अपने जौहर दिखलाएँ और खुदा से इनाम पावें ये मत ख्याल करो कि खुदा तुम्हें जाया कर देगा तुम खुदा के हाथ का एक बीज हो जो ज़मीन में बोया गया खुदा फरमाता है कि ये बीज बढ़ेगा और फूलेगा और हर एक इसकी हर हर, हर एक तरफ उसकी शाखें निकलेंगी और एक बड़ा दरख्त हो जाएगा फिर आप फरमाते हैं कि खुदा ने मुझे मुखातब करके फरमाया कि मैं अपनी जमात को इतला दूँ कि जो लोग ईमान लाए ऐसा ईमान जो इसके साथ दुनिया की मलौनी नहीं वो और वो ईमान नफाक या बुजदली से आलूदा नहीं और वो ईमान इतात के किसी दर्जे से महरूम नहीं ऐसे लोग खुदा के पसंदीदा लोग हैं और खुदा फरमाता है कि वही हैं जिनका कदम सिद्ध का कदम है ये सब बातें आपने रसालसत में फरमाई हैं जिसमें खिलाफत के जारी होने की भी आपने खुशखबरी फरमाई थी बस आपका ये फरमान इस बात की ज़रूर तो दिलाता है कि हर अहमदी का खिलाफ़ से भी खलास वालक़ होना चाहिए और वही बैत का हक़ अदा करने वाले होंगे जो इस मैार को हासिल करने वाले होंगे और जब ये होगा तभी हम आज यौम खिलाफ़ मनाने के हक़ को अदा करने वाले होंगे अल्लाह ताला सबको तोफीक दे कि वो खिलाफत से बैठ के हक़ को भी अदा करने वाले हों और अल्लाह ताला के फजलों को भी हासिल करने वाले हों आज ये भी थोड़ा सा ऐलान है कि आज वाना जमात अपना जलसा कर रही है तीन दिन के लिए दो रा जलसा है सताईस अट्ठाईस को और पस्तान जलसा है इसके अलावा उन्होंने मुल्क भर में एक सौ उन्नीस सेंटर बनाए हैं इनमें भी पाँच बड़े इज्तमी सेंटर हैं और उनका रहा आपस में वीडियो रेट वीडियो के जरिए से है गाना जमात की दा फरवरी दो हज़ार इक्कीस में हुई थी मौलाना नगीर नैर साहेब हो लंदन से रवाना होकर गाना पहुँचे थे गुज्त साल गाना जमात अपना सौ साल तकरीबा करना चाहती थी लेकिन कोविड की वजह से मनकद नहीं हो सका इसलिए अब उन्होंने ये फैसला किया है कि बाईस और तेईस दो साल के प्रोग्राम जारी रहे हैं अल्लाह इनका जलसा भी हर लिहाज से बबरकत करे और उनको अखलास वाह में सब एम जी ओ को बढ़ाता चला जाए इसी तरह गैम्बिया का भी जल्सा आज हो रहा है ये भी ये तीन दिन का जलसा है अल्लाह तै इसको भी हर लिहाज से बबरकत सुनवाए